नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिक फार्मिंग जूंडला नरुखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों फार्म भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा देरी से वीडियो डालने के लिए। फार्म भाइयों, मेरे फार्म पर लगातार डिलीवरियाँ चल रही हैं और जैसा कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, इस मौसम में प्रेग्नेंट फीमेल को, डिलीवर्ड फीमेल को, पिगलेट्स को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, जिसके कारण मेरा ज़्यादातर समय फार्म पर ही व्यतीत हो रहा है। इसी कारण वीडियो डालने में थोड़ा विलंब भी हो रहा है। कोशिश करूँगा आगे से समय पर आपको वीडियो डिलीवर कर सकूँ। फार्म भाइयों, आज का जो वीडियो है, पिग वेस्ट मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप पिग वेस्ट को पौंड से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, किन किन उपकरणों के द्वारा, किन किन मशीनों के द्वारा आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, यह वीडियो पूरा इसी विषय पर रहेगा। फार्म भाइयों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक नई मशीन को परचेज किया था, जिससे कि पिग वेस्ट को पौंड से बाहर निकाल सकते हैं, इसको कैसे ईजिली और सेफली इंस्टॉल कर सकते हैं, यह वीडियो इसी विषय पर रहेगा। अगर आपके पास पक्का पौंड है वेस्ट का, तो इसको कैसे यूज में ला सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा वेस्ट पौंड है, तो किन किन सावधानियों के साथ इस मशीन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, सेफली इसको यूज में ला सकते हैं, पूरा वीडियो इसी विषय में रहेगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों फार्म भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा पिग वेस्ट पॉइंट पे। लुब्बी कंपनी का सबमर्सिबल पंप है, जो कि मड पंप के नाम से भी आता है। इसका काम वेस्ट पॉइंट को बाहर फेंकने का होता है। जो ये हमारा वेस्ट पॉइंट है, अगर इसको आपको खाली करना है, तो ये मशीन आपके बहुत ही काम आएगी। यह काम कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा। फार्म भाइयों, ये इसका सेंसर है, जिसको कि ये जब पानी के ऊपर रहेगा तो ऑटोमेटिकली मशीन शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा, ये नीचे जाएगी, ये मोटर अपने आप ऑटो कट हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ ये 2 इंची का ड्राइवरी सेक्शन लगाया गया है, जिसके द्वारा ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा। पहले हमारे पास एक मोनोब्लॉक पंप का सेटअप था, जो कि नीचे से थोड़ा लीक हो गया, इसके कारण ये चल नहीं पा रहा है। इसके लिए हमने ये सबमर्सिबल पंप लगाया है, जिसके द्वारा ये 2 इंची ड्राइवरी लगा के इसका वेस्ट का पानी बाहर निकालेंगे। दोस्तों अगर आपके पास वेस्ट पॉन्ड पक्का है, सीमेंटेड बना हुआ है, तो आपको आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कच्चा वेस्ट पॉन्ड है, जैसे कि ये है, इसके अंदर आपको मोटर को इस तरह से डालना पड़ेगा कि इसके अंदर जो इसका वेस्ट मटेरियल है, जो इसकी गारा है, वो इसके डायरेक्ट इसके टच में ना आए। अगर डायरेक्ट इसके टच में आएगी, तो किसी भी प्रकार का कोई कंकड़ है, पत्थर है, या कोई भी हार्ड मेटेरियल है, वो इसके इंपेलर के अंदर फंस जाएगा और आपकी मोटर फूक भी सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इस मोटर को इस तरीके से, जो कच्चा पौंड होता है, उस तरीके से डालिए कि इसके अंदर वो चीजें ना फंस पाए। अब हम इस बताएंगे आपको इस मोटर को कैसे इस ड्राम के अंदर सेट करना है, और उसके बाद आपको इस वेस्ट पौंड के अंदर इसको डाल देना है। फार्म भाइयों, इसके लिए जो 200 लीटर का ड्रम होता है, उसको हमने बीच में से काट लिया है, और इस प्रकार से आप इन तारों को 3 से 4 जगह से ड्रम में से निकाल लीजिए, ताकि आपका जो मोटर का बेस है, इसके साथ उसको बांध सके, ताकि इधर उधर हिलने डुलने पर भी आपकी मोटर नीचे ना गिरे। इस तरह से आप इनको निकाल लीजिए। फार्म भाइयों, मशीन को आप कटे हुए ड्रम में डाल लीजिए और तारों की सहायता से अच्छे से बांध दीजिए। ड्रम में डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह मिलेगा फार्म भाइयों, एक तो ये सीधा नीचे से जो कचरा होता है, जो गोबर होता है, इनका वेस्ट होता है, जो हार्ड मटेरियल होता है, वो इसके इंपेलर में नहीं जाएगा, या कोई कंकड़ पत्थर है, कोई हार्ड मटेरियल है, जिसके इंपेलर में जाके मोटर को जाम कर सकता है, जिसके कारण मोटर फूक सकती है, इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये देखिए फार्म भाइयों, मशीन अंदर जा चुकी है वेस्ट पॉइंट के अंदर, और ये आपको रेड कलर का सेंसर इसका दिखाई दे रहा होगा। जब तक ये ऊपर रहेगा, जब तक आपके समर्सिबल चलता रहेगा। ये देखिए समर्सिबल ऑन कर दिया है, इस तरीके से ये आपके वेस्ट मटेरियल को आपके पॉइंट से बाहर निकाल देगा। फार्मर भाइयों, इस वेस्ट मटेरियल को आप अपनी फसलों में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये अच्छे उर्वरक का और फर्टिलाइज़र का काम आपकी फसलों में करेगा, आपके फसलों की क्षमता को बढ़ाएगा, पैदावार को बढ़ाएगा। अगर उस समय आप इसको फसलों में देने का समय ना हो, उस समय आपकी फसल्स की ग्रोथ ऐसी हो कि आप इस खाद को फसलों में यूज़ ना कर सकते हो, तो आप एक सूंडके की सहायता से इसके जो डिलीवरी पाइप है, इसके ऊपर आप उसको कस लीजिए, और एक सूंडके की सहायता से जहाँ भी आपके आसपास कोई बड़ा पौंड है, या सामने कोई नहर है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप इस वेस्ट मटेरियल को निकाल सकते हैं, वहाँ पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये एक नहर है, इसमें हम इस वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं।
तो फार्म बायो इस प्रकार से आप अपने वेस्ट मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट रख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फार्म बायो, जैसे कि आपने देखा, इस मड पंप की सहायता से आप अपने वेस्ट पॉन्ड को काफ़ी हद तक समस्याओं से दूर रख सकते हैं। किसी भी तरह से आप उस वेस्ट को निकाल के अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने फार्म से सूंडके की सहायता से उस वेस्ट मटेरियल को अपने फार्म से दूर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, फार्म बायो इंडियन बिग फार्म पर मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे फार्म पर लार्ज वाइट प्योर यॉर्कशायर की नस्ल आपको हर समय मिलेगी। 30 kg 200 kg गिल्ट हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहती है। जिस किसी भी फार्म भाई को गिल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या गिल्ट परचेज करने के लिए चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकता है। फार्म भाई, ये हमारा सारा ड्राई फीड सेक्शन है, जिसके अंदर सारा ड्राई फीड मटेरियल हमारे पास अवेलेबल रहता है, जो कि स्पेशल फीड के तौर पर हम अपने एनिमल्स को देते हैं। तो किसी भी फार्म भाई को किसी भी प्रकार के गिल्ट किसी भी वेट में कभी भी चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म भाइयों, ये मेरा सारा गिल्ट स्टॉक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पूरे शेड के अंदर 32x175 के शेड में ये टोटल प्योर गिल्ट्स का माल मेरे पास अवेलेबल है। जिस किसी भी फार्म भाई को किसी भी एज की किसी भी वेट की गिल्ट चाहिए, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। इंडियन पिक फार्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, फार्म भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।